तो यो भाई लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो Xiaomi ने अपना नया मोबाइल लॉन्च करा है पोको F1, उसके गेमिंग रिव्यू के बारे में। तो गेमिंग रिव्यू काफ़ी अच्छा है, उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो गेमिंग रिव्यू मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से जाओ यार, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ऐसी गेमिंग से और रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं ला के आने वाला हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बात करते हैं गेमिंग रिव्यू के बारे में। तो भाई लोग, जो गेमिंग रिव्यू आया है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा आया है। तो मैंने इसे पर्सनली यूज़ करा है, इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो इस रिव्यू में मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं आपको एक मतलब एक एग्जांपल टाइप बताऊँगा कि ये जो आपको फ़ोन है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहले हम बात करते हैं पबजी गेम के बारे में। तो इस गेम में जो पबजी गेम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, जो मैंने पर्सनली से ट्राई किया तो मुझे 3 से 4 घंटे का आराम से बैकअप मिल गया पबजी गेम को खेलने में। हालाँकि थोड़ा सा हीट हुआ था मोबाइल, लेकिन अच्छे से वर्क कर रहा था। तो इसमें थोड़ा सा पबजी का लैगिंग का इशू है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा वर्क कर जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्टनाइट गेम के बारे में। तो इस गेम में जो मतलब इस फ़ोन में जो फॉर्टनाइट गेम चला है वो काफ़ी अच्छे से चला है, विदाउट एनी लैगिंग चला है, और यहाँ पर कोई भी बैटरी इशू नहीं आया है। हालाँकि थोड़ा सा हीट हुआ था, वो तो ऑब्वियसली होता ही है हीट, लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ जितना पबजी खेलते हुए टाइम हुआ था। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस गेम की तरफ से। तो यहाँ पे इस गेम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारे फ़ोन के लिए। तो पोको F1 ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया इस दोनों गेम्स के मुकाबले। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक गेम और है जो काफ़ी हाई एंड पीसी गेम है, उसका नाम है मोर्टल कॉम्बैट 5। ये काफ़ी अच्छा गेम है, और एसफॉल्ट 8 और 9 दोनों इसमें काफ़ी अच्छे से चले विदाउट एनी लैगिंग। तो ये इसका कुछ रिव्यू था, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। मुझे पता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, ये थोड़ी सी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इसमें माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा माइक अभी दरअसल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं अपनी माइक को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूँगा माइक से वीडियो बनाने की, लेकिन आगे से जो मैं वीडियो डालूँगा वो 100% माइक के साथ होंगी। तो आशा करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।